हे गाइस, वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंजना। कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर विंटर वेयर हॉल, जिसमें मैं आप लोगों से अमेजोन के कुछ विंटर वेयर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें स्वेटशर्ट है और जैकेट्स हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे रिसीव हुई है। जो जैकेट भी होगी वो भी 1000 के अंडर ही है। तो जो भी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो अंडर 1000 है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये सब चीज़ें रिसीव हो जाएंगी। और इनका जो लिंक्स होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, माई हॉल स्टोर लिंक, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो विदाउट डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जो मैं फर्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके की एक स्वेटशर्ट है, जो कि साइज़ है, इसमें मैंने मीडियम परचेज किया है, क्योंकि जो स्वेटशर्ट होती है थोड़ी लूज फिटेड में मुझे पसंद है, तो मैंने इसमें साइज़ परचेज किया है मीडियम। और इसमें जो इसका ब्रांड नेम है वो है फोर्ट कॉलिन। तो फोर्ट कॉलिन का ये आपको स्वेटशर्ट मिल जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे ना, आपको इस वाले ब्रांड के सारे जो स्वेटशर्ट्स होंगे या जैकेट्स होंगे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, और मतलब क्वालिटी वाइज भी आपको बेस्ट मिलने वाला है। तो आप इस ब्रांड को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी मैंने अभी तक मंगाया है ना, ज़्यादातर मैंने इसी ब्रांड के मंगाए, तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इस ब्रांड को ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो बात करते हैं इस स्वेटशर्ट की। आपको इस स्वेटशर्ट में इस तरीके का आपको फ्रंट से राउंड नेक मिल जाएगा। कलर जो मैंने परचेज किया ये थोड़ा मुझे पिक में तो रेड कलर दिख रहा था, इस वजह से मैंने इसे परचेज किया, बट ये सामने से मुझे थोड़ा डार्क रेड या मैरूनिश टाइप में ये लग रहा है। तो देखती हूँ, वैसे पहन के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वीडियो में साइड में इंसर्ट कर लूँगी। कलर थोड़ा मुझे इसका मैरून टाइप में लग रहा है, तो अगर आपको ये कलर पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें और कलर ऑप्शन भी होंगे तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको साइज़ मिल जाएगा मीडियम से डबल एक्सल, एक्सल सारे साइज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस तरीके का आपको फ्रंट से राउंड नेक मिल जाएगा। फुल स्लीव्स की आपको ये स्वेटशर्ट मिल जाएगी। स्वेटशर्ट के एंड में आपको कुछ इस तरीके का ये लाइनिंग वाला बॉर्डर मिल जाएगा, और इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल मिल जाएगा, जो अच्छे से यहाँ फिट हो जाता है, लूज़ नहीं होता है। तो इस तरीके के जो स्वेटशर्ट में ये जो होता है ना स्लीव्स पे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो अच्छे से फिट हो जाता है, ढीला या लूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेचेबल आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। स्लीव्स आप देख सकते हैं छोटी बिल्कुल भी नहीं है, जितना मेरा मतलब अच्छे से फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग आ रही है। और इस तरीके से ये राउंड नेक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रिंट मिल जाएगा फॉर एवर, जिसमें कुछ इस तरीके से इन्होंने ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक इस तरीके का ये स्टार बना हुआ है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं इस तरीके के स्वेटशर्ट है, मतलब ज़्यादा पतला वाला स्वेटशर्ट नहीं है। इसका जो प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, मेरे ख्याल से ये 600 समथिंग है, बट काफ़ी अच्छा है। 600 में आपको इस तरीके की स्वेटशर्ट मिल जाती है। अंदर से आपको इसमें जो फ्लीस वाला फैब्रिक होता है वो है, जो आपको विंटर में काफ़ी वार्म रखता है। काफ़ी पतली स्वेटशर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको काफ़ी गर्माहट मिलने वाली है इस स्वेटशर्ट में। तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। लेंथ आप इसके देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है। मेरी हाइट है 5'2", तो मैं अगेन आपको बता देती हूँ मेरी हाइट है 5'2". मेरे पे साइज़ हमेशा आता है स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, बट जो स्वेटर्स होती हैं या स्वेटशर्ट होती है, जैकेट, इनमें मैं एक साइज़ अप लेती हूँ, तो मैंने इसमें मीडियम परचेज़ किया है। देख सकते हैं साइड में आपको इस तरीके की दो पॉकेट्स मिल जाएंगे, जो कि स्वेटशर्ट में हमें काफ़ी नीड होती है विंटर में, अगर क्योंकि हाथों में हमें ठंड लगती है, तो इस तरीके की पॉकेट होती है, तो अपने हाथ हम अच्छे से इसमें डाल सकते हैं और बिल्कुल भी हमें ठंड नहीं लगेगी। पॉकेट आपको इस तरीके से इसमें दोनों साइड से आपको पॉकेट मिल जाएगी। लेंथ आप इसके देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है। जिनको क्रॉप स्वेटरें पसंद नहीं है, या कोई लोग बोलते हैं कि मैम प्लीज़ क्रॉप मत दिखाइए, कुछ ऐसा दिखाइए कि मतलब पूरी मतलब फुल लेंथ भी ना हो, बट मतलब इस तरीके की लेंथ जो वो आर इजीली कैरी कर सकते हैं, तो उनको इस तरीके की लेंथ इसमें मिल जाएगी। नीचे से आप देख सकते हैं, आपको नीचे से जैसे स्लीव्स में था ना, तो वही पैटर्न आपको नीचे से भी मिल जाएगा, इस तरीके के लाइनिंग वाला, जो अच्छे से फिटिंग हो जाता है। काफ़ी अच्छी स्वेटशर्ट मुझे लग रही है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइज, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन मैंने एक जैकेट परचेज़ करी है, जो आपके जनवरी की जो ठंड होती है ना, बर्फ़ वाली टाइप की, तो उस वाली ठंड में आपको ये जैकेट काफ़ी काम आने वाली है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया वो है मीडियम, तो अगेन मैंने कहा जैकेट वगैरह में मैं मीडियम साइज़ परचेज़ करती हूँ, ताकि मैं अंदर से लेयरिंग कर सकूँ। अगर हाँ ही नेक या इनर कुछ और स्वेटर्स भी डालने हो, तो जैकेट के अंदर थोड़ी लूज़ रहेगी, तो हम अंदर कोई भी लेयरिंग कर सकते हैं। तो अगेन जो इसमें मैंने ब्रांड परचेज़ किया है वो है फोर्ट कॉलिन से मैंने इसे परचेज़ किया है। इसकी जो जैकेट्स है ना, काफ़ी अच्छी फिटिंग वाली जैकेट है। तो इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, उसमें मैंने ग्रीन कलर की जैकेट परचेज़ करी थी। जिन लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं जैकेट के, कुछ आपको इस तरीके से ये जैकेट मिल जाएगी। इसमें मैंने परचेज़ किया है कलर ब्लैक, आई थिंक इसमें ना आपको येलो कलर मिल जाएगा। येलो भी क्या मतलब मस्टर्ड येलो वाला कलर है, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ब्लैक कलर में नहीं थी, तो मैंने इसे ब्लैक कलर में परचेज़ किया। तो कुछ इस तरीके की जैकेट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको साथ में मिलती है ये कैप,
और आप कैप पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये ब्राउन कलर का फर मिल जाएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है कैप अगर आप लेते हैं तो। ये कैप आपको बिल्कुल आप इसे अलग भी कर सकते हैं, इस तरीके की ये चेन लगी हुई है, चेन से अटैच है और कैप में साथ में इस तरीके का ये भी थ्रेड दे रखा है जिससे आप बांध सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। फ्रंट से आपको इस तरीके की इसमें पूरी ये चेन मिल जाएगी। चेन की जो क्वालिटी है बंद करने के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल भी ऐसे चीप क्वालिटी है, लोकल क्वालिटी बिल्कुल भी ऐसे यूज़ नहीं किए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसके आप देख सकते हैं इस जैकेट की ना, जैकेट भी आपको अलग अलग टाइप में मिलती है, कोई ना वैसे रहती कि फुली फुली से रहती है, बिल्कुल भी मतलब पहन के कोई फिटिंग से नहीं आती। बट मैंने जो जैकेट परचेज़ करी है आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन या पैटर्न है वो एक फिटिंग स्टाइल में आप देख सकते हैं ये पूरे आपके फिगर पर अच्छे से शेप ले लेगा। देख सकते हैं इस तरीके का ये डिज़ाइन जो पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एक कर्व बना हुआ है। जो इस टाइप की जैकेट आप परचेस करेंगे ना तो ठंडियों में भी पूरा एक फिगर सा आ जाता है जो कि अच्छे काफ़ी अच्छे से फिटिंग होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है पहन के और स्टाइलिश लुक देती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा ये पैटर्न इस तरीके का आपको ये जैकेट में मिल जाएगा। स्लीव्स आप देख सकते हैं, स्लीव्स काफ़ी अच्छी है, फुल लेंथ है और यहाँ से आपको इस तरीके का अगेन यहाँ पे भी इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल मिल जाएगा जो आपके यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाएगा, जैकेट बिल्कुल भी लूज़ या बाहर को नहीं आएगी। तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। साइड में आपको इसमें मिलती हैं दो पॉकेट, पर पॉकेट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कहीं पर इस टाइप की पॉकेट रहती बट इसमें इस टाइप की पॉकेट दे रखी है। पॉकेट में भी आपको यहाँ मिल जाएगी चेन इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर आपको काम नहीं है तो क्लोज कर सकते हैं, अगर आपको इसमें हाथ रखने हैं तो आप इस तरीके से इसे ओपन भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जो जिप की इसकी क्वालिटी है चेन की काफ़ी अच्छी है पॉकेट की, और आप इस तरीके से इसे ओपन करके ये देख सकते हैं काफ़ी गहरी है, मतलब काफ़ी डीप है, आप इसमें फ़ोन या वॉलेट कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं है, स्पेस काफ़ी है, अच्छे से आपको मोबाइल फ़ोन या वॉलेट वगैरह आ जाएगा। और आप इस तरीके से इसमें चेन बंद कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस जैकेट में। इससे पहले जो मैंने जैकेट दिखाई थी उसमें बिल्कुल भी इस तरीके की चेन नहीं थी और इस जैकेट में आपको चेन मिल जाएगी, अगर आपको कोई भी चीज़ रखनी है तो आप इसमें रख सकते हैं ईजिली। जैकेट के प्राइस के इसका जो प्राइस है वो है 950। साइज़ आपको इसमें मिल जाएगा स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल तक आपको डबल एक्सेल इसमें सारे साइज़ अवेलेबल हैं। कलर ऑप्शन भी इसमें मिल जाएंगे आपको, तो अगर आपको ब्लैक कलर पसंद आता है तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट स्वेटशर्ट की जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसका जो ब्रांड नेम है वो है इनकास्ट डेनिम। इसमें कुछ इस तरीके का इनकास्ट डेनिम नाम का यह ब्रांड है और इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल, क्योंकि मैंने सोचा अगर ये थोड़ी ना इस टाइप की लग रही थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो कुछ क्रॉप टाइप में थी तो मैंने कहा स्मॉल साइज़ मंगा के देखती हूँ किस तरीके की फिटिंग आती है, अगर स्मॉल मुझे ज़्यादा फिटेड लगेगा तो फिर मैं मीडियम के लिए जाऊँगी। तो इसमें मैंने स्मॉल साइज़ परचेज़ किया। इसका जो प्राइस है वो है अंडर 500 या 400-500 समथिंग है, इससे अबव बिल्कुल भी नहीं है, पर इसकी जो लेंथ है वो है क्रॉप। तो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको ताकि डाउट ना रहे, इसकी जो लेंथ है वो है क्रॉप। इससे पहले जो मैंने शर्ट दिखाई वो बिल्कुल भी क्रॉप नहीं थी, मीडियम उसकी लेंथ थी, ना ज़्यादा लंबी थी ना ज़्यादा छोटी, मतलब परफेक्ट उसकी लेंथ थी। ये आपको थोड़ी क्रॉप में मिल जाएगी जिन लोगों को क्रॉप स्वेटरें पसंद है, हाई वेस्ट जीन्स के साथ जो क्रॉप स्वेटरें कैरी करना चाहती तो वो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी काफ़ी परफेक्ट प्राइस है इसका, आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। स्लीव्स आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरीके की स्लीव्स मिल जाएगी। स्लीव्स पे अगेन आपको इस तरीके से लाइनिंग वाला बॉर्डर मिल जाएगा जिसमें आपको ये इलास्टिक वाला है जो अच्छे से फिट हो जाता है। और आप इसका कलर देख सकते हैं, ये एक मल्टी कलर स्टाइल में है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है ना, इस तरीके का आपको ये पैटर्न मिल जाएगा जिसमें यहाँ पे मैरून है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे येलो है, तो आपको इसमें सारे कलर्स मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा मल्टी कलर में ये बनाया गया है। पीछे से आप देख सकते हैं, पीछे से आपको पूरा मैरून प्लेन मिल जाएगा। स्लीव्स पे आपको अगेन यहाँ पे ब्लू कलर की स्लीव्स मिलेगी और ये वाली स्लीव्स आपको मिलेगी इस तरीके की मैरून कलर में। अगर आपको इस तरीके की शर्ट पसंद आती है, इस तरीके का पैटर्न या डिज़ाइन, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। क्रॉप स्वेटर तो ये है ही, जिनको क्रॉप के लिए प्रेफर करते हैं वो इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। अंदर से आप देख सकते हैं इसका जो फैब्रिक है वो फ्लीस वाला तो नहीं है, बट हाँ वॉर्म वाला फैब्रिक तो है जो होता है ना वुलन वाला, तो उस टाइप का फैब्रिक तो है बट फ्लीस वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से मतलब उतनी गर्म नहीं होने वाली जितनी इससे पहले जो शर्ट दिखाई थी, वो ज़्यादा गर्म होगी बट ये हल्की फुल्की ठंड में ये चल जाएगी। फ्रंट से आपको इस तरीके से इसमें राउंड नेक मिलेगा, राउंड नेक में साथ ही ये छोटा सा इस तरीके से ये चेन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आप इसे ईजिली खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है।
कलर आप देख सकते हैं, पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरीके की शर्ट शर्ट अगर आपको पसंद आती है आप इसे पहन सकते हैं। इसकी जो वीडियो होगी, पिक होगी, मैं साइड में इंसर्ट कर लूँगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का ये लग रहा है पहन के। क्रॉप देख सकते हैं, हाई वेस्ट जीन्स के साथ ही इसे आपको कैरी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये शर्ट शर्ट परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरी कौन सी शर्ट शर्ट या जैकेट पसंद आई। तो बस यही था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।